हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड एडुकेयर। तो इस वीडियो में आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बात करेंगे, तो इसे अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देश में प्रचलित 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करके अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रिंगिंग अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट आफ्टर 34 ईयर्स। और इस नीति में सबसे खास बात यह है कि अब 10+2 फॉर्मेट को हटाकर 5+3+3+4 लागू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 5+3+3+4 रूल है क्या। एंड ऑल्सो वन मेन पॉइंट इज, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं 5+3+3+ रूल है क्या। इसे चार स्टेजेस में विभाजित किया गया है। पहला फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर्स के लिए, सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर्स के लिए, मिडिल स्टेज 3 ईयर्स के लिए, एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज, दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स। एंड अंडर दिस न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेज टू ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग अकेडमिक स्ट्रक्चर विद इन एम्बिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इट मीन्स स्कूल के पहले 5 में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और क्लास 1 और क्लास 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को क्लास 3-5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल यानी मिडिल स्टेज क्लास 6-8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष फ्रॉम क्लास 9-12। एंड इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम की कोई कठोर पालन नहीं होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस हुए हैं, अब हम उस पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 5वीं के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज, सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। इसके पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। फोर्थ पॉइंट इज, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज, नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वह दूसरा कोर्स कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और ये नॉलेज वो ले सके। सो थैंक यू सो मच।